असम भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। 2014 से पहले के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने जिलों में विकास करवाया, जबकि मनोहर लाल ने प्रदेश में समान विकास कराया, जिसके चलते अहिरवाल क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है। राव नरवीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत बुढ़ेड़ा, सुल्तानपुर व धानावास में लोगों को संबोधित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा इलाके के विकास की राजनीति की है। 2014 से लेकर 2019 के बीच लोक निर्माण मंत्री रहते हुए क्षेत्र का विकास पूरी ईमानदारी के साथ किया। पहले की सरकारों में विकास के मामले में उपेक्षित रहे फरुखनगर ब्लॉक के गांव का विशेष ध्यान रखा गया। हर गांव में तेजी से विकास कार्य कराए गए। उन्होंने कहा कि फरुखनगर ब्लॉक के लोगों की मांग पर बाईपास बनाया गया, जिससे कि आज गुरुग्राम और फरुखनगर के बीच यातायात काफ़ी सुगम हुआ है। फरुखनगर ब्लॉक में सरकारी कॉलेज और अस्पताल बनाने की मांग भी पूरी कर दी गई है। राव नरवीर सिंह ने कहा कि पूरे हरियाणा का 62 से 68% रेवेन्यू देने वाले गुरुग्राम में विकास के बहुत परियोजनाओं पर काम हुआ है। अपने मंत्रिकाल में 9600 करोड़ की लागत से बने द्वारका एक्सप्रेसवे को मंजूर कराया। लोक निर्माण मंत्री रहते हुए सोना एलिवेटेड हाईवे सहित अनेक सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दिलाकर गुरुग्राम को जाम की समस्या से राहत दिलाई। राव ने लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील करते हुए कहा कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर मतदान करना चाहिए। यदि आप लोगों को ये लगता है कि राव नरवीर सिंह ने विकास कराया है तो आगामी चुनाव में मेरा साथ दें। राव नरवीर सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, न केवल देशवासियों का अपितु विश्व पटल पर भी भारत के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है। मोदी ने देश प्रदेश में मोदी मनोहर के नेतृत्व में तीसरी बार जनहित की सरकार बननी तय है। साथियों, 2014 में देश और प्रदेश में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और आम आदमी देश में विकास करने लगा और देश का मान सम्मान भी इतना बढ़ा कि दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद इस देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। कहीं भी आप हिंदुस्तान से बाहर निकल जाओ, लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान देश के लोग आए हैं और 140 करोड़ लोगों की ताकत है जो आज नरेंद्र मोदी जी को दुनिया के बड़े से बड़ा उनकी उनकी सुनता और उनकी इज्जत करता है। हम लोगों की ताकत है, आप लोगों की ताकत है जो आज देश का प्रधानमंत्री। जब से प्रदेश में सरकार बनी बहुत से नए नए प्रोग्राम चालू किए, बहुत सी स्कीमें मुझे भी याद नहीं, तकरीबन 108 नए नए प्रोग्राम चालू सरकार ने किए हैं, बहुत से विकास के काम हुए। और हमारा ये गुड़गांव जिला, हम कहते थे सरकार बनने से पहले कि भाई सरकार हम बनाते हैं और विकास के काम दूसरे जिलों में होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री दूसरे जिले का बनता था, सरकार दक्षिण हरियाणा के लोग बनाते थे। लेकिन 2014 आने के बाद जब से आपने परिवर्तन किया, हरियाणा में समुचित विकास हुआ। आज हरियाणा का अहिरवाल का लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे इलाके में विकास नहीं हुआ। सारे हरियाणा की बात छोड़कर आप गुड़गांव जिला जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू में खजाने में पैसे देता है, 10 साल में कितना परिवर्तन हुआ, कितनी नई सड़कें बनी, विश्वविद्यालय बना, मेडिकल कॉलेज बना और ये अंडरपास, फ्लाईओवर, द्वारका एक्सप्रेसवे, बालचंदू एलिवेटेड और हर गांव को जोड़ने की सड़कें, ये 2014 के बाद इसे हरियाणा में गुड़गांव जिले में बनी। आज आप नानगढ़ जाएंगे आपको देखने लगेगी, नानगढ़ चौधरी चले जाइए और कोई से जिले में चले जाइए। और पहले हम घूमते थे तो 2-3 जिलों का विकास दिखता था, बाकी दिखता ही नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद आपको एक दिन से लगा होगा कि भाई समुचित विकास, सारे इलाके का विकास हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटी कोई छोटा काम नहीं जो आपके पड़ोसन बढ़ के तैयार हुई है। और ये मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी उसमें कमी रहेगी, वो देर से शुरू हो पाई, 7 क्लासें वहाँ भी लग गई हैं और 4 साल से क्लासें गुड़गांव में लग रही थी। ये बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन हुआ है जो अपने इलाके में यूनिवर्सिटी आए। इतने साल हो गए हरियाणा को अलग हुए, जो नए जिले बने उनमें भी यूनिवर्सिटियाँ बढ़ गई, लेकिन किसी सरकार ने ये नहीं सोचा गुड़गांव जिला इतना बड़ा जिला है, इस
जिसमें यूनिवर्सिटी बनाई जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने गुड़गांव में यूनिवर्सिटी की स्थापना की। हमारे फील्ड के माजरे में मेडिकल कॉलेज बनना जो बन के तैयार हो जाएगा। गुड़गांव की माता को हम लोग पूछने जाते कितनी लंबी लाइन लगती थी, लेकिन उसका जीर्ण द्वार हो रहा है, माता का मंदिर बन रहा है। विधानसभा में 2014 में चुनाव लड़ा, आप लोगों का आशीर्वाद से विधायक बना। एक विधायक और एक मंत्री के हैसियत से जो कुछ विकास में कर सकता था मैंने किया। तो 1952 में इस देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। हर पंचवर्षीय योजना में एक MLA एक MP चुनकर आप भेजते हैं। उससे पहले का विकास योजना और 2014 से 2019 का विकास देखिए कि भाई कितना इन 4-5 सालों में हमने इस इलाके का विकास कर। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो सरपंच यहाँ रहे इस इलाके के, जो हमारे टाइम में यह सरपंच थे, भाई किसी सरपंच ने कोई काम कहा हो और भाई मेरे द्वारा ना किया हो तो मैं गुनाहगार हूँ। कोई ऐसी पंचायत नहीं जिसमें जो काम कहा हो सारे के सारे काम किए। आपका यह विधानसभा में छोटा काम है, धनावास को बड़ा काम नहीं है। इससे बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन धनावास गाँव में भी सरपंच ने काम किया, हमें कसर नहीं छोड़ी। और आपके पड़ोस में एक बन रहा है स्टेडियम, मैं भी पीछे से निकला था भाई, हमने जैसा बनाया था वैसा है नहीं ना। उसकी सफाई है, कंक्रीट पड़े रोड पे, तो सरपंच से बड़ा आना है कि बात उसको ध्यान दो कि ये कितनी अच्छी चीज बने, कितना सरकार ने पैसा लगाया लेकिन उसकी कदर नहीं हो रही है, ना हमारे बच्चे खेलते ना वहाँ साफ सफाई है। ये बड़ सरकार की जिम्मेवारी इस चीज को बनाने की, लेकिन मेंटेन करने की तो पंचायत की जिम्मेवारी है। फिर हाथ जोड़ के बाद में उसका भी आप ध्यान करो, ये कितना कम्युनिटी सेंटर अच्छा बन रहा है। यदि आपकी किसी भी सफेदी रंग नहीं करोगे तो ये भी एक दिन खराब हो जाएगा। आज इसकी हालत अच्छी है, उसकी भी हालत अच्छी नहीं है। ऐसे समुचित विकास आपके फरकू नगर में हो। गुड़गावा में एक ब्लॉक था जिसमें कॉलेज नहीं था। मैं जब MLA का चुनाव लड़ने आया तो मेरे से 3 बातें कही आम आदमी ने कि भाई कॉलेज बनना चाहिए एक ब्लॉक में, हॉस्पिटल बनना चाहिए और फरूख नगर का बाईपास बनना चाहिए। मैंने तीनों काम प्राथमिकता के तौर पर तीन किए। बाकी गांव में कितना विकास हुआ ये मेरे से भले भागे आप लोग जानते हैं। और भाई आजकल क्या है ना देश में, और जैसे भाई अशोक ने कहा कि भाई ये मोदी की गारंटी है, भाई मेरा एक बार साथ तो ये नरवीर सिंह की गारंटी को खा लिया। 2019 में राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट कट गई। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन हर बार हर राजनीतिक आदमी की नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। आशीर्वाद और समर्थन मांगने आया हूँ। भाई कोई आदमी जिनके पार्टी में कई कई कैंडिडेट रहे, भाई सबका मांगने का अधिकार है, प्रजातंत्र है। भाई कोई तो टेम्पू बच्चे का प्रोग्राम, कोई खंभे पर, कोई दीवार पर होल्डिंग लगा रहा, मैं थर्ड एक पैसा भी नहीं खर्च करवाऊंगा। भाई मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुझे दिल में रखो। आपकी कसम की चुनौती पहले देखा। और एक बात और कह के जाता हूँ कि भाई मेरे से अच्छा MLA आपको दिखाई देता हो तो भाई वोट उसकी देना, और भाई ना लगे तो मैं भी जाटों के काम में, राजपूतों के काम में। मैं एक बात कहता है भाई, जन्म तो मेरा परमात्मा ने दिया, मैं यही घर में जन्म ले लिया, जात तो मेरे से बदली जाए ना, लेकिन मैंने कोई जात बराती करी हो, कोई विकास के काम में कोई पक्षपात किया हो तो मैं गुनहगार हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ 36 आदमी के लोगों से, भाई यदि आपको लगे कि नरवीर सिंह आपके हकूकों की रक्षा कर सकता है, नरवीर सिंह आपके इलाके की आवाज उठा सकता है, और मैं पहले भी कहा करता चुनाव से पहले कि नए MLA ने बड़ा वो सेक्टर ढूंढता डोलने का, मैं कहा करता हूँ। और नरवीर